आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल नंबर 9 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेट कर लीजिए आप। एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट कर लीजिए कि एक्स जो है, एक्स इजल टू ए है, बी एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ए है और ये जीरो हो जाए तो फिर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, यानी कि लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बटा एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स की जगह हम लिखेंगे ए माइनस एच, ए माइनस एच। ठीक है, यानी कि वन बटा, तो ए माइनस, ए माइनस एच की जगह जीरो रख लीजिए, जीरो इजकल टू क्या आ गया, वन बटा ए आ गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे हम, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच, याद रखिएगा। इजकल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और फिर वन बट्टा एक्स की जगह आपको क्या रखना है, एक्स की जगह रखना है ए प्लस एच। क्लियर, वन बटा ए प्लस एच की जगह क्या रखना है, ज़ीरो। टेंस टू ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो रख दीजिए, क्या आ गया, वन बटा ए आ गया। क्लियर, अब हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ ए फाइंड कीजिए। एफ ऑफ ए क्या होगा, वन बटा एक्स की जगह क्या लिखिएगा, ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट वन बटा ए, राइट हैंड लिमिट वन बटा ए और एफ ऑफ ए वन बटा ए, तीनों इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ऑफ ए, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम भी लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजकल टू ए। दिस इज हो गया प्रूफ।